लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी संग्राम जारी है। सभी दलों की निगाहें 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गमछा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयोजित तमाम रैलियों और कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुर्ते पैजामे और टोपी के साथ रंगीन धारीदार गमछे में नजर आ रहे हैं। तो वही गमछा चाचा शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव के गले में भी चुनाव प्रचार के दौरान नजर आ रहा है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इस गौछे में क्या खास है जो चुनाव प्रचार के दौरान पूरा यादव परिवार गले में डालकर घूम रहा है। जब अखिलेश यादव से इस गमछे का राज जानने का प्रयास किया गया तो अखिलेश यादव का कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नए लुक में दिखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने गमछा डालना शुरू किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि ये गमछा वाराणसी में बनता है और इसे वहां यादव लोग इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि गौछे की ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ना बता देना, नहीं तो वो भी इसे पहनने लगेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कॉटन का ये गमछा इलेक्शन में बहुत काम आता है, पसीना भी पोंछ लो और हाथ भी साफ कर लो।